एनडीए गठबंधन में लोजपा की स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई है। पार्टी के तमाम नेताओं का सिर्फ यही कहना है कि जो भी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे और उनका ही फैसला अंतिम होगा। देर रात पटना पहुंचे पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने भी साफ कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के ऊपर सब कुछ छोड़ा गया है। हालांकि सूरजभान सिंह ने इतना जरूर कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें एनडीए में लोजपा को नहीं मिलती है तो बात नहीं बनेगी। सूरजभान सिंह ने यह भी कहा कि अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है और तमाम लोजपा के कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में। कि सब कुछ छोड़ दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर, उनको जिम्मा कर दिया गया है फैसला लेने के लिए। तो लगता है कि अगर एनडीए से अगर लोजपा अगर अलग हो जाती है तो आप नीतीश कुमार को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार के बिना एनडीए पर जीत सकते हैं बिहार में? देखिए, ये तो फैसला करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है कि क्या फैसला लेते हैं। अभी तो एनडीए में हम लोग हैं और एनडीए गठबंधन में जिससे कि अगर लोजपा का सम्मान नहीं जिससे कि मिला, इनका 123 विधायक है जदयू भाजपा मिलाकर, ये तो अपना काम कर रहे हैं। 120 बच गया, उसमें भी बहुत आदमी श्योर है, वो अपने अपने क्षेत्र पकड़ लिया। लोजपा का जो भी जिससे कि उम्मीदवार है वो असमंजस में है कि क्या हो रहा है और अभी तक कोई बात नहीं बनी है। सूरजभान जी, आप पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, आपसे एक सीधा सा सवाल है कि आपके पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं चिराग पासवान, वो नीतीश कुमार के काम पे सवाल खड़े करते हैं और प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। देखिए, एक जगह जब सब भाई रहता है तो उठा पटक होते रहता है, आने वाले समय में देखिए क्या होता है। गठबंधन को दिक्कत ना हो जाए एनडीए को, जैसे देख लीजिए ये सब कुछ जब सब भाई बैठेंगे उसके बाद तय होगा। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है सर, आपने दिल्ली में बयान दिया था कि पार्टी बी ग्रेड और सी ग्रेड की सीट भी उसको मिलनी चाहिए, तो क्या कोई विधानसभा बी ग्रेड और सी ग्रेड में भी हो सकता है? जैसे कि पार्टी का फॉर्मूला रहता है कि जैसे सीटिंग जैसे हो गया, और रह गया सवाल कि उनको तो 123 सीट जिसे दोनों आदमी मन मुताबिक है, बच गया 120। 120 में जिसे जो अच्छा रहेगा वह तो जिसे पार्टी मांगेगा ही। लेकिन आपके बयान को लेके आपके सहयोगी दल ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि बी ग्रेड और सी ग्रेड कोई कैसे निकाल कर सकता है, ये तो जब बैठेंगे तब तय होगा। तो चलिए, सूरजभान सिंह।